आप पक्षाची वास्को आयतारा सभा जाली. आप पक्ष सत्तेर आयल्यार मंत्री न्हय तर जनता राज्याचे थाराव घेतली. आप पक्ष भ्रश्टाचार मुक्त सरकार सत्तेर हाडटले म्हण दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल उलयल्यात. सध्याच्या सरकाराक लागून जुवारी नगरांत चलयोच न्हय तर चल्यांचे भविश्य सुरक्षित ना म्हण ऑलेन्सियो सिमोयस हांणी सांगला. आरडेक्स गुवाहाटी वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. वो पॉलिसी इसलिए नहीं बनती, सरकार जितनी पॉलिसी बनाती है इसलिए नहीं बनाती कि गोवा के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर ये देखती है हमारा कितना पैसा बनेगा। जैसे मेरे को पता चला एक बियर की फैक्ट्री लगनी थी, वहां पे कुछ कोकोनट के पेड़ थे, वो पेड़ काटने थे इनको, कानून में पेड़ काट नहीं सकते थे। पारसेकर साहब ने एक तरीका निकाला, उन्होंने कोकोनट को घास डिक्लेयर कर दिया। जरूर पैसे खाए होंगे, कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी बियर की फैक्ट्री वाले के साथ। जितनी भी पॉलिसी बनती है गोवा के अंदर वो सारी करप्शन के लिए बनती है, पैसे खाने के लिए बनती है। अब ये बंद करना है, सब करप्शन बंद करना है अब अपने को सबको मिलके। चलो 2012 के चुनाव के पहले मनोहर पारिकर साहब वो रिपोर्ट की कॉपी घर घर लेके गए थे, घर घर ले जाके मनोहर पारिकर साहब कहते थे कांग्रेस वालों ने पैसे खाए, कांग्रेस वालों ने पैसे खाए, मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं कांग्रेस वालों को जेल भेजूंगा, मैं 36,000 करोड़ रुपए की रिकवरी करूंगा। घर घर जाके मनोहर पारिकर ने बोला था, बोला था कि नहीं बोला था? जैसे ही मुख्यमंत्री बने मनोहर पारिकर साहब, शाह कमीशन की रिपोर्ट फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मैं जिन कांग्रेस वालों ने 36,000 करोड़ रुपए खाए मैं उनको जेल भेजूंगा, एक भी इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, एक भी इंक्वायरी भी नहीं की। उन्होंने कहा मैं 36,000 करोड़ की रिकवरी करूंगा, एक नए पैसे की रिकवरी नहीं की उन्होंने। मैंने तो आपको बोला दोनों में सेटिंग है, 5 साल तुम राज करो 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटेंगे, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम हमारी इंक्वायरी मत करना, जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारी इंक्वायरी नहीं करेंगे। पुराना भूल जाओ और छोड़ दे और नई जिंदगी हम अपनाएंगे, और नई जिंदगी बोले तो आम आदमी की, सब आम आदमी की पार्टी और सब लोग आम आदमी, आप और हम जीत जाएंगे भाई बहनों, जीत जाएंगे 4 तारीख को, हम जीत रहे हैं और पूरा गोवा का माहौल ऐसा बन गया है कि आम आदमी जीत रहा है।